हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। यहाँ पर देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो पूछा गया है ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया और ये क्लास 12 का है और ये क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। देख सकते हैं यहाँ पे टेबल का नाम दिया गया है स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है स्टूडेंट, यानी टेबल का नाम है स्टूडेंट। इसमें एडमिशन नंबर है, रोल नंबर है, नेम ऑफ स्टूडेंट है, क्लास है और मार्क्स है, ठीक है। और यहाँ पे कहा गया है राइट स्टेटमेंट्स टू। तो अगर हमें एवरेज मार्क्स डिस्प्ले कराने, आप देखिए मार्क्स यहाँ पे दिए गए हैं, अब ये अलग अलग स्टूडेंट के हैं लेकिन हमें क्या कराना है, इनका एवरेज कैलकुलेट करना है। तो एक्सेल में आपको याद है एक एवरेज नाम का फॉर्मूला होता था जिसकी मदद से हम एवरेज कैलकुलेट करते थे, लेकिन यहां पर क्या कैसे होगा। तो यहां पर हमें क्वेरी लिखनी होगी। क्वेरी कैसे लिखेंगे, तो क्वेश्चन है कि डिस्प्ले द एवरेज मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, तो यहाँ पे हमें लिखना होगा सेलेक्ट। मैं यहाँ पे लिख के आपको दिखाता हूँ पहले क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे सेलेक्ट इस तरीके से, और फिर क्या करना है आपको, क्योंकि एवरेज को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप दे दीजिएगा ए बी जी इस तरीके से और ब्रैकेट को ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। और चूंकि मार्क्स का ही करना है, देखिए इस फील्ड का नाम क्या दिया गया है, यहाँ पर इस फील्ड का नाम तो मार्क्स ही है, तो यहाँ पे मार्क्स हम दे देंगे, ठीक है। और मार्क्स दे करके ब्रैकेट को क्या करना है, क्लोज करना है। और ये कहाँ से आएगा, तो फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, तो देखिए जरा स्टूडेंट है तो एस टी यू डी ई एन टी जैसे लिखा गया बिल्कुल वैसे लिख के और यहाँ पे टर्मिनेशन दे देना है। तो ये आपकी पहली क्वेरी हो गई, देख सकते हैं ये आपकी पहली क्वेरी है। तो ये देख लीजिए यही आपकी पहली क्वेरी का आंसर है, यानी एक नंबर इतने ही पे आपको मिल जाएगा। ये देख लीजिए बहुत आसान क्वेश्चन है और ये आसानी से इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाएगा, ठीक है। अब लिखा हुआ है डिस्प्ले द डिफरेंट क्लासेस, तो क्लासेस कौन कौन से हैं, तो जरा देखिए 12th है, 11th है, 10th है, तो तीन क्लासेस हैं। तो अलग अलग क्लासेस को हमें डिस्प्ले कराना है, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो अब जो अगला है वो अलग अलग क्लासेस को डिस्प्ले कराने वाली क्वेरी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूज करना है, यहाँ पे हमें डिस्टिंक्ट जो कमांड है उसको यूज करेंगे। तो यहाँ क्या देंगे, यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट एस ई एल ई सी टी सेलेक्ट, और फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिस्टिंक्ट डी आई ई नहीं बल्कि आई लिखेंगे एस टी आई एन सी टी, ये हो गया डिस्टिंक्ट। और डिस्टिंक्ट लिख करके फिर यहाँ क्या करना है आपको, क्लास देना है क्योंकि क्लास को ही तो सेलेक्ट करना है। ये ध्यान रखिएगा कि क्लास का सी कैपिटल है तो यहाँ पर आपको कैपिटल ही देना होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सी एल ए डबल एस क्लास कर दिया और फिर यहाँ पर आपको ये क्लास आएगा कहाँ से, तो फ्रॉम स्टूडेंट नाम की जो टेबल है वहीं से आएगा। तो यहाँ पे कर देते हैं एस टी यू डी ई एन टी स्टूडेंट और यहाँ पे टर्मिनेशन, तो ये काम हो जाएगा। तो ये दूसरी क्वेरी हो गई, यानी ये हो गई क्वेरी नंबर सेकेंड, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं ये सेकंड है, यहां पे टू लिख देता हूं और ये पहली क्वेरी थी तो यहां वन लिख देता हूं, ठीक है। अब तीसरी क्वेरी पे आते हैं, ठीक है। यहां पे देखिएगा ये कह रहा है ना चेंज द डाटा टाइप ऑफ मार्क्स कॉलम सो दैट इट कैन टेक फ्रैक्शनल वैल्यू अप टू टू डेसिमल्स, यानी कि आपको जो डेटा टाइप है, अब जो मार्क्स का डेटा टाइप है ये इंटीजर दिया गया है शायद, तभी तो ये कह रहा है कि इसका डेटा टाइप चेंज कीजिए और ऐसा करिए कि ये टू फ्रैक्शन डेसिमल वैल्यूज ले सके, ठीक है, यानी पॉइंट में वैल्यूज आ सके, ऐसा डेटा टाइप आपको डिसाइड करना है। तो ये कैसे डिसाइड होगा, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए एक काम कर सकते हैं, वो क्या काम है, देखिए यहां पर जो क्वेरी लिखेंगे उसमें हम किस तरीके से लिखेंगे उसको दिखा देता हूं। यहां पर सबसे पहले क्या करना है आपको क्वेरी लिखने के लिए, यहां पर आइए, यहां पर मैं क्वेरी लिख के दिखा देता हूं। यहाँ पे हम क्या कहेंगे, क्योंकि हमें मॉडिफाई करना है तो यहाँ मॉडिफाई कमांड चलाना होगा और मॉडिफाई के लिए पहले अल्टर भी लिखना होगा, तो यहाँ पे लिखिएगा ए एल टी ई आर अल्टर, ठीक है। और टेबल को अल्टर करेंगे और टेबल का नाम क्या है हमारे, स्टूडेंट है, तो यहाँ पे एस टी यू डी ई एन टी स्टूडेंट कर दिया और यहाँ पे मॉडिफाई कमांड चलाएंगे, ठीक है। डेटा टाइप को चेंज करने के लिए हम हमेशा मॉडिफाई कमांड चलाते हैं, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे चलाएंगे मॉडिफाई कमांड और मार्क्स को मॉडिफाई करना है ना, मार्क्स के डेटा टाइप को मॉडिफाई करना है, तो यहाँ लिख दिया मार्क्स और मार्क्स लिखने के बाद यहाँ पर इसको कर देंगे एफ एल ओ ए टी फ्लोट, और चूंकि कह रहा है ना कि टू डेसिमल पॉइंट तक ये ले, ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ 8.2 कर देता हूँ, 5.2 कुछ भी ऐसे दे सकते हैं, तो यहाँ फिलहाल मैं 8.2 कर देता हूँ, ठीक है, यानी टू डेसिमल, अगर 3 डेसिमल पॉइंट होता तो यहाँ 3 कर देते। तो इस तरीके से ये तीसरी क्वेरी भी क्लियर हो जाएगी। और यहाँ पर आकर के एक चीज और आपको करना है, यहाँ पर टर्मिनेशन देना मत भूलिएगा। तो ये हो गया, यानी तीन क्वेश्चन बड़े ही आसानी के साथ आपने सॉल्व कर लिए। अब चौथे पे आते हैं, यानी लिखा हुआ इंक्रीज विथ, यानी चौड़ाई बढ़ानी है नेम कॉलम टू वेर कैर 50, यानी वेर कैर डेटा टाइप में साइज रहेगी 50, तो आपको क्या करना है, फिर वही अल्टर कमांड चलाएंगे,
तो यहां पर आकर के अब अल्टर कमांड चला लेते हैं वापस से, ए एल टी ई आर अल्टर, ठीक है। और यहां लिखेंगे क्या, टेबल टी ए बी एल ई टेबल, और यहां पे स्टूडेंट आएगा एस टी यू डी ई एन टी स्टूडेंट, और यहां पे फिर वही मॉडिफाई मॉडिफाई, और किसको मॉडिफाई करना है तो यहां नेम को मॉडिफाई करना है। तो देखिए नेम यही है ना, ये देखिए यहां पे नेम दिया गया, मैं इसे एक डिफरेंट कलर से हाईलाइट भी करता हूं, ये है आपका, ठीक है। तो ये नेम जो है इसको मॉडिफाई करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो यहां पे आए और फिर आने के बाद क्या करना है हमें, आने के बाद यहां पर मॉडिफाई लगाया हमने, देख सकते हैं ये देखिए। तो मॉडिफाई लिखने के बाद क्या करना है, जैसे ही मॉडिफाई लिखेंगे तो यहां पे देंगे नेम, और यहां पे क्या कर देंगे वेर कैर, शायद ये कुछ और रहा होगा तो वेर कैर 50 आपको कर देना है, 50 करके टर्मिनेट कर देना है। यानी चार नंबर लाने में आपको कितना टाइम लगेगा, ये छोटी सी क्वेरीज आएंगे लिखने के लिए, छोटी छोटी क्वेरीज। तो बस इसी तरीके से क्वेरी लिखते चलिए और नंबर पाते चलिए। तो माई एसक्यूएल अगर 25 नंबर का आ जाता है तो 25 में से एक नंबर आपका कटेगा नहीं, इसकी पूरी गारंटी है, ठीक है। और बकायदा आप इसे प्रोग्राम में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अगर आप बीसीए से बिलोंग करते हैं या बीटेक कर रहे हैं, और अगर आपको माई एसक्यूएल में प्रोजेक्ट दे दिया गया और ये कहा गया है कि दिखाइए करके प्रैक्टिकल में, तो आप करके भी दिखा सकते हैं। तो हर तरीके की सुविधाएं हैं और ये बहुत आसानी से इंप्लीमेंट भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व कीजिएगा पेपर, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।